वेलकम बैक टू द नेक्स्ट फ्यूचर व्यूज। आज हम बात करेंगे ऑल न्यू होंडा सिटी VX मॉडल के बारे में। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है अगर आप होंडा सिटी में लेना चाहते हैं। साथ ही में इसमें आपको क्या स्पेशल फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो व्यूज़ आपको इसकी कीज़ दिखा दें वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। तो व्यूज़ इसकी की जो कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है। व्हीकल लॉक अनलॉक करने का बटन, बूट रिलीज करने का तो बटन मिल जाता है, पर यहाँ पर अगर आप इसके इंजन को स्टार्ट करना चाहें तो इस बटन को प्रेस करके इस व्हीकल को बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसे फिर से होल्ड करके रखेंगे तो व्हीकल का जो इंजन है वो शट डाउन हो जाएगा। अब हम बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो हम जो व्यूज़ आपको ये प्राइस बताएंगे VX मॉडल का वो है हिमाचल प्रदेश मंडी का, जो कि है 15,22,000 रुपीज़ CVT ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ में आता है ये व्हीकल। साथ में ये जो आप करंटली आप जो ये व्हीकल के ऊपर कलर देख रहे हैं ये है प्लैटिनम पर्ल वाइट। अब हम करें इसके फ्रंट से बात, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में आपको जिसकी नोज ग्रिल है वो क्रोम इंसर्ट देखने मिल जाएगी। साथ में होंडा का लोगो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी हेडलाइट्स है उसमें आपको प्रोजेक्टर हैलोजन बल्ब मिल जाता है लो बीम के लिए। साथ में टर्न लाइट इंडिकेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट, तो नीचे आपको फॉग लैंप भी दिया गया है। और इसमें आपको फ्रंट में जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट देखने मिलेगा वो है इसका ये फ्रंट चिन बम्पर की, जो कि ए स्प्लिट का काम करती है, इसके लुक्स को भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस करती है। हेडलाइट्स इसमें मिल जाते हैं वो ट्रिपल चैम्बर के साथ में आते हैं। इसमें आपको जो साइड से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्यूल टोन फिनिश के साथ में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। साथ ही में जो टायर साइज सेम मिलता है टॉप ऑफ द लाइन मॉडल की तरह, वो है 185/55R16 का 83 HK हाई स्पीड टायर्स दिए गए हैं। फ्रंट एंड में डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, तो रेयर में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। इस व्हीकल के जो टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm की, टोटल व्हील बेस है 2600 mm का एंड टोटल कर वेट है व्हीकल का 1145 किलोग्राम्स। साथ ही में साइड से देखेंगे तो इसके लुक्स कुछ इस तरह से देखने मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। एंड ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं डिज़ाइन लाइन, इसे कटाना लाइन बोला जाता है होंडा के द्वारा, जो कि फ्रंट हेडलाइट से स्टार्ट होती है रेयर तक जाती है। यहाँ पे आप इसके ORV को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर पाएंगे। इस मॉडल में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरा नहीं मिलता, जो कि सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में ही दिया गया है। एंड LED टर्न लाइट इंडिकेटर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड डिट्रैक कर सकते हैं आप इसके ORV को। रिक्वेस्ट बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूल टोन थीम फिनिश जो इसमें यूज़ की गई है। साथ में फैब्रिक फिनिश सीट्स मिल जाती हैं और इससे ऊपर वाले वेरिएंट ZX मॉडल में जो आपको लेदर फिनिश सीट्स मिल जाती हैं। साथ ही में आप यहाँ पे डोर पैनल के ऊपर जो यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश मिलेगी। पावर विंडो कंट्रोल्स जो है उसमें आपको वन टच अप डाउन का फंक्शन मिल जाएगी। इसमें आपको पावर विंडो कंट्रोल जो नॉर्मली ऑपरेशन फंक्शन के साथ में मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो आपको टॉप ऑफ द लाइन में पियानो फिनिश नहीं वुड इंसर्ट्स देखने मिल जाते हैं, और टॉप ऑफ में आपको जो यहाँ पे लेदर इंसर्ट्स देखने मिल जाएंगे, फैब लेदर फिनिश देखने मिल जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे प्लास्टिक में ही क्रीमी फिनिश दी गई है प्लास्टिक में। एंड यहाँ पे जो क्लब बॉक्स स्टोरेज स्पेस है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन स्टोरेज की स्पेस दी गई है, जिसमें कि आप अपना मोबाइल फ़ोन स्टोरेज की स्पेस जहाँ पे कि आप कुछ इस तरह से मोबाइल फ़ोन स्टोर करके रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है और ये आपको होंडा सिटी में ही देखने मिलता है। काफ़ी ज़्यादा कम व्हीकल्स में इस डिज़ाइन को यूज़ किया। फैब्रिक फिनिश के साथ में आर्मरेस्ट आता है, जिसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। साथ में यहाँ पे की फॉक स्टोर करने के लिए स्पेस, इंपोर्ट कप होल्डर्स की स्पेस यहाँ पे दी गई, तो यहाँ पे भी अपना मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ और सामान आप स्टोर करके रख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन स्टोरेज की स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। USB में आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का फंक्शन मिल जाता है। USB पॉइंट यहाँ पे दो दिए गए हैं, यहाँ पे मिल जाता है 180 वॉट में मैक्सिमम पावर आउटपुट, जो कि लैपटॉप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सनवाइज़र के ऊपर वैनिटी मिरर, सनवाइज़र के ऊपर यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, और बाहर से इंटीरियर का भी कुछ इस तरह से देख सकते हैं। एंड इंटीरियर में जो आपको लग्जरी का एहसास दिलाता है वो है इसका सनरूफ। एंड रूफ में आप देख पाएंगे सनरूफ का व्यू, रेयर में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। तो सेकंड रो की बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी फिनिश मिल जाएगी फ्रंट डोर की तरह ही। साथ ही में वाटर होल्डर स्पेस, इन्फोटेनमेंट स्पीकर, 6+ स्पीकर्स मिल जाते हैं कैबिन में। और अब मैं बात करूँ व्यूज इसमें लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस की, तो जैसे कि देख सकते हैं सर के लिए लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं व्यूज यहाँ पे तो आपको हेडरेस्ट है वो हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिलते हैं, तो रेयर में
फिक्स्ड दिए गए हैं, पर जैसे कि आप देख सकते हैं सर बैठे हुए हैं, तो ये जो हेडरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट ऑफर करते हैं और आर्मरेस्ट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट ऑफर कर देता है। आर्मरेस्ट में आपको यहाँ पे कप होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयर एसी वेंट्स, जिसका फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है पावर पॉइंट, 180 वाट की मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल जाती है इसमें दोनों ही पॉइंट्स में। एंड रेयर से फ्रंट का भी कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा इस मॉडल में, जो आपको हैलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं। साथ ही में कैबिन के अंदर जो आपको कंप्लीट 6 एयर बैग्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो सेफ्टी है पैसेंजर्स की और जो व्हीकल के अंदर बैठे हैं उनकी बढ़ जाती है और आप एक सेफ फील करेंगे। एंड व्यू, इसमें जो आपको टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो है 40 लीटर्स की। साथ ही में यहाँ पे आप रेयर में देख सकते हैं जी स्टाइल LED टेल लाइट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी की बैजिंग, होंडा की बैजिंग यहाँ सेंटर में दी गई, तो IVTEC की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। VX मॉडल है तो VX मॉडल की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके बम्पर के ऊपर 2 पार्किंग सेंसर्स, साथ ही में रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे दिया गया है। एंड इसमें आपको रिवर्स बटन के साथ में बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप बूट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक फिनिश, जो कि कैबिन के अंदर जो है काफ़ी अच्छे जो लग्जरी का एहसास दिला देती है। मीन्स ये कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफर की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लैडिंग, बिना किसी परेशानी के आप इसके नीचे से स्पेयर व्हील निकाल सकते हैं। स्पेयर व्हील भी इसमें आपको जो है एलॉय के साथ में मिल जाता है। बाकी कंपनीज यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करती हैं, मींस प्रॉफिट करती हैं, जहाँ पे कि होंडा ने अपने होंडा सिटी में जो है वो एलॉय व्हील जो है दिया हुआ है, और इसका जैक एंड जैक टूज कुछ इस तरह से माउंटेड मिल जाते हैं। बूट लैम्प, और आप यहाँ पे देख पाएंगे मिड माउंटेड स्टॉप लाइट, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना। ड्राइवर साइड में आप देख पाएंगे की फॉग के साथ अनलॉक करने की ऑप्शन, साथ में रिक्वेस्ट बटन। तो यहाँ पे जो आपको डोर के ऊपर इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ में वन टच अप डाउन का फंक्शन मिल जाता है सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो के ऊपर। फैब्रिक फिनिश, वाटर बॉटल होल्डर की स्पेस, 8-way मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं आप इसकी ड्राइवर साइड की सीट को। साथ ही में बूट को ओपन करने के लिए लीवर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल लीड ओपन करने के लिए पॉइंट, तो यहाँ पे मिल जाता है हुड ओपन करने के लिए लीवर, और इसमें आपको यहाँ पे मिल जाती है एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन। एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टायर साइज के हिसाब से जो है वो कंप्लीट टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मीन्स 160 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर जो इन्होंने ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है होंडा ने अपनी सिटी के लिए। एंड बाहर से इंटीरियर का भी कुछ इस तरह से। अब मैं बात करूँ इसके इंजन के बारे में, तो होंडा अपनी सभी व्हीकल्स के इंजन के ऊपर जो है स्टैंडर्ड वो है 3 ईयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करता है। साथ ही में 5 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी का बेनिफिट भी मिल जाता है, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी का बेनिफिट भी दिया जाता है। यहाँ पे जो इंजन दिया गया है वो है नॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के साथ में आता है। अर्थदीमा टेक्नोलॉजी IVTEC इसको नाम दिया गया है। साथ में जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है वो है 119 bhp की, टोटल टॉर्क जनरेट करता है 145 Nm का। मैक्सिमम माइलेज ऑफर करेगा 18 किलोमीटर की, अगर आप इसे डेली रूटीन में ड्राइव करेंगे तो माइलेज देगा 15 टू 16 किलोमीटर की। जैसे कि व्यूज आप देख सकते हैं मैं ड्राइवर साइड में बैठा हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे सबसे लग्जरियस फील देता है वो तो इसका लेदर फिनिश स्टेयरिंग व्हील। साथ ही में यहाँ पे पीछे देख सकते हैं CVT मॉडल, तो पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से मैं इसे चाहूँ तो मैनुअली ड्राइव कर सकता हूँ। अगर कोई मैनुअल लवर है और वो सिटी में ड्राइव कर रहा है तो इन पैडल शिफ्टर को यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हिल स्टेशन में आप ड्राइव कर रहे हैं CVT होंडा सिटी के साथ, तो यहाँ पे ये पैडल शिफ्टर्स हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। मीन्स आप बिना किसी परेशानी के जो गियर चेंज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन बटन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे MID एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साथ ही में हेडलाइट्स को ऑटो पे रखना चाहे तो ऑटो पे रख पाएंगे। वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है, कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें कि होंडा के लोगों के साथ में वेलकम किया जाता है। साथ ही में अगर मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो बटन है वो स्पेशली इंस्टॉल किया गया है। देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस को मैं यहीं से मींस जल्दी
डिम कर सकता हूँ और बढ़ाना चाहूँ तो अपने मन मुताबिक बढ़ा भी सकता हूँ, और कंप्लीट ब्राइट करना चाहो काफ़ी ज़्यादा तो वो भी कर पाऊँगा। ये बटन दे के जो है ये मीन्स कन्वीनियंस ऑफर करता है, साथ ही में अगर आप इसे मीडियम पे रखना चाहे तो इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके MID के कंट्रोल्स, इस बटन को प्रेस करके जो मैं टैकोमीटर को रखना चाहूँ तो यहाँ पे रख सकता हूँ। लेफ्ट साइड में एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी क्या रही वो देख सकता हूँ, साथ ही में ट्रिप ए ट्रिप बी में क्या एवरेज थी वो दिखाएगा, और इसी के नीचे स्पीडोमीटर टाइम, इसी के नीचे चले जाएंगे जी मीटर मीन्स कितनी तेज़ी से आप व्हीकल को टर्न कर रहे हैं हाई स्पीड में कॉर्नरिंग टाइम पे, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती हैं। यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट में स्पीडोमीटर दिया गया है, सेंटर में आपको देखने मिल जाएगी स्पीड किलोमीटर पर आर में, और व्हीकल पार्क में तो यहाँ पे पार्क दिखाएगा। फ्यूल लेवल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो और इसमें आपको जो व्हीकल के सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट कितना चला व्हीकल आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अब मैं बात करूँ इसकी इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर जो आपको ब्राइटनेस वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पे जो आपको इसका टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बटन्स दिए गए हैं, सेटिंग्स में जाके आप लैंग्वेज ब्लूटूथ ऑडियो डिस्प्ले को यूज़ कर पाएंगे, स्मार्टफोन रियर व्यू कैमरा यूज़ करना चाहते कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स लाइसेंस वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको ऑटो क्लाइम कंट्रोल का फंक्शन मिल जाता है, साथ ही में एयर का फ्लो कहाँ से हो रहा है तो आप यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन मिल जाता है इसमें। साथ में रूफ़ में आएंगे तो रूफ में आप देख सकते हैं सन वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर, यहाँ पे ऑटो डिमिंग फंक्शन, साथ में IR भी मिल जाता है तो यहीं पे आप देख सकते हैं हैलोजन बल्ब, साथ में रीडिंग लैंप्स, और डोर के साथ आप एडजस्ट करना चाहें लाइट्स तो ऑन ऑफ बटन भी यहीं पे इजीली एक्सेसिबल है। सनरूफ अगर आप ओपन करना चाहते हो वन पुश के साथ आप इजीली ओपन कर पाएंगे, एंड वन पुश के साथ अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, एंड अपने मन मुताबिक आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो कुछ इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब मैं बात करूँ भी इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इसमें जो सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं वो हैं 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, BA, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस व्हीकल की एवरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस इको बटन को प्रेस करके जो है इसकी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, एंड जो पावर डिलीवरी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। सिटी में आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं या तो फिर हाईवे क्रूजिंग पे, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ऑटोमेटिक शिफ्टिंग का पैटर्न जिसमें कि पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स मोड में है व्हीकल, तो आप इन पेडल्स को भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ़।